रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेट्रोल पंप्स पर जल्द ही डीजल की भारी किल्लत हो सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रिलायंस अपने नुकसान को कम करने की कोशिश में लगा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने फ्यूल डीलर्स को डीजल सप्लाई में 50% कटौती के लिए कहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी को 1 लीटर डीजल की बिक्री पर 10 से 12 रुपए का नुकसान हो रहा है। कंपनी ने बुधवार की रात हुई बैठक में गुरुवार से डीजल की सप्लाई को आधा करने का फैसला लिया। वहीं जियो बीपी के एक डीलर ने कहा कि एरिया मैनेजर ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज दिसंबर 2021 में उनके द्वारा बेचे गए डीजल वॉल्यूम में से केवल आधे की सप्लाई करेगी। वे दिसंबर को बेंचमार्क मानकर चल रहे हैं। उसके बाद कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बिजनेस प्रभावित हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो बीपी ब्रांड नाम के तहत फ्यूल ऑयल आउटलेट चलाती है। यह बीपी रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड यानी RBML के साथ जॉइंट वेंचर का हिस्सा है। इस ऑयल जॉइंट वेंचर का गठन 2020 में किया गया था। बीपी ने 7000 करोड़ रुपए में इसमें 49% हिस्सेदारी खरीदी है। RBML ने 3000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से देश भर में इसके फ्यूल ऑयल आउटलेट्स के नंबर्स को 1400 से बढ़ाकर 5500 से अधिक करने की योजना बनाई है। वहीं एक अन्य डीलर ने कहा कि उसके डीजल ट्रक गुरुवार को फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से खाली कर दिए गए। उसने बताया कि हमारे एरिया मैनेजर द्वारा किसी भी ग्राहक को थोक में डीजल की सप्लाई नहीं करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमारी सप्लाई में कटौती की जा रही है। जियो बीपी के साथ कई डीलरशिप के मालिक ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसा कर रही है। 2006, 2009, 2012 और 2014 में भी इसी तरह की सप्लाई संकट के दौरान भी ऐसा किया जा चुका है। हालांकि इंडस्ट्री के अधिकारियों ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बेहतर मुनाफे के लिए यूरोपीय देशों को सप्लाई बढ़ा सकती है, जहां रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई पर असर पड़ा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के सीनियर अधिकारी ने कहा कि रिलायंस का ज्यादा जोर निर्यात पर रहता है। इसके प्रमुख ग्राहक यूरोप और पूर्वी अमेरिका है, जहां बाजारों ने उनके लिए बड़ी संभावनाएं खड़ी की हैं। अगर घरेलू स्तर पर कीमतें बढ़ती हैं, तब भी यहां एक्सपोर्ट मार्जिन से ज्यादा फायदा होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन देश में 4 नवंबर यानी दीपावली के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे तेल कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर औसतन 25 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। 4 नवंबर को कच्चे तेल की कीमत $83 प्रति बैरल थी, जो अब $100 के पार है। इस बीच चीन में कोविड-19 की नई लहर ने डिमांड संबंधित चिंताओं पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जुड़वा रिफाइनरीज प्रतिदिन 1.36 मिलियन बैरल कच्चे तेल का प्रोसेस कर सकती है। इसकी रिफाइनरीज हमेशा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस से कच्चे तेल के आयात पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में एशियाई रिफाइनरीज के लिए यूरोप आकर्षक मार्केट बनकर उभरा है।